हेलो गाइस, टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज़ 11 पीसी या लैपटॉप में जब भी आप अपना जो है विंडोज़ 11 स्टार्ट कर रहे हैं, टर्न ऑन कर रहे हैं, उस समय आपको जो है आईक्लाउड का जो है इस तरीके का स्क्रीन आपके स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, इसको कैसे डिसेबल करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो इसको जो है स्टार्टअप में से रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको जो है आपकी विंडोज़ सेटिंग्स ओपन करना है। विंडोज़ की होल्ड कीजिए और आई प्रेस कीजिए। शॉर्टकट की की मदद से आप अपनी विंडोज़ सेटिंग्स को जो है ओपन कर सकते हैं। सेटिंग्स में लेफ्ट पैनल में आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको ओपन कीजिए और राइट पैनल में स्टार्टअप को जो है ओपन कीजिए इस तरीके से, ठीक है। और जितने भी स्टार्टअप ऐप्स रहेंगे आपके विंडोज़ 11 में, वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके फाइंड आउट करना है आई क्लाउड। अगर वो इनेबल है तो सिंपली यहाँ से इसको जो है डिसेबल कीजिए, डेट्स इट। अब आपका जो आई क्लाउड है वो जो है स्टार्टअप में आपके स्क्रीन पे जो है शो नहीं करेगा, वो डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली सिंपली उसको जो है डिसेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।